सो गाइज, आज हम लोग जीशो के एक नए और बहुत बड़े अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा चेंज किया गया है, बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है और कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं जो कि हमने आपको बताए हैं। 3 फीचर्स बताए हैं और जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं वो भी हमने आपको बताए हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक CSR यूजर्स के लिए, तो वीडियो में एंड तक बने ज़रूर रहना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कमेंट्री स्क्रीन रीडर पर वीडियो लाओ, तो अब हमने आपकी इच्छा पूरी करी, तो अब आप हमारी इच्छा पूरी करो, इस वीडियो को शेयर करो जल्दी से और लाइक कर दो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये जो अपडेट आया है ये आया है द 25th of December 2021, और इस अपडेट में सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस अपडेट को नाम दिया गया है एक्सपीरियंस एडिशन। मैंने कहा भैया पहले तू ही बोल ले फिर मैं बोलूंगा, तो एक्सपीरियंस एडिशन इस अपडेट को नाम दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ। सो गाइज, एक्चुअली में ये जो वर्जन लॉन्च किया गया है ये लोगों को सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिनका डिवाइस 64-bit है। यानी कि अगर आप 32-bit डिवाइस वाले हो तो आप इस वर्जन को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। अगर आपका डिवाइस 64-bit में है तो ही आप इस वर्जन को इंस्टॉल कर पाओगे, और ये वर्जन थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली में साल ख़त्म हो रहा है जैसा कि आपको पता है, तो कमेंट्री जो है अपने आप को बहुत टाइम से इम्प्रूव करता आ रहा है, तो इसी का एक यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। कमेंट्री स्क्रीन रीडर ने ये जो अपडेट दिया है इसको लोगों को टेस्टिंग करने के लिए दिया है कि लोग फीडबैक्स दे कि ये वर्जन कैसा है, इसमें इनको क्या चेंजेस चाहिए, तो उस हिसाब से ये अपडेट लॉन्च करेंगे। इसलिए इसको नाम दिया गया एक्सपीरियंस एडिशन कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। काफ़ी अच्छा नाम दिया गया है। और यहाँ पर मैं एक बात और बहुत बड़ी क्लियर कर दूँ, इसमें एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि ये जो वर्जन है ये मर्ज हो गया है। मतलब आपको पता होगा CSR के 2 वर्जन है, एक तो लोकल एक इंटरनेशनल। लोगों को जो है इसमें बहुत बड़ा बड़ा कन्फ्यूज़न था कि क्या है, कौन सा सही है, क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है इनमें, तो कमेंट्री ने इसको आसान कर दिया है और किया क्या है, लोकल एंड इंटरनेशनल वर्जन दोनों को मर्ज कर दिया है। अब यानी कि अब कोई इंटरनेशनल वर्जन नहीं होगा, कोई लोकल वर्जन नहीं होगा, सिर्फ एक ही वर्जन होगा जो कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर का होगा, और वो पूरे दुनिया में यूज़ किया जा सकता है। हालांकि पहले भी पूरी दुनिया में यूज़ किया जा सकते थे दोनों वर्जन, बट अब लोकल वर्जन एंड इंटरनेशनल वर्जन को मिक्स कर दिया गया, और जो साइज़ है उसको भी डिक्रीज़ कर दिया गया है। पहले जो इंटरनेशनल वर्जन था वो 5-6 MB का था, और जो लोकल वर्जन था वो 22-21-20 MB का था, लेकिन अब जो ये नया वर्जन आया है जो कि मिक्स्ड आया है ये सिर्फ और सिर्फ 17 MB का है। ठीक है, तो आपको कोई भी स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही भी है। दो वर्जन रखने का कोई मतलब नहीं था, चाइना अपने लिए स्पेशल रखे, बाकी दूसरों को भैया दूसरा वर्जन दे, तो मुझे लगता है कि कोई इसका मतलब ही नहीं था। अच्छा है दोनों वर्जन जो है मिक्स कर दिए गए, तो इस पर भी आप बोलिए कि भैया सही किया आपने, इसको मत बदलना, फिर से मत लाना। बस ये होना चाहिए कि 32-bit के लिए भी वर्जन आ जाए, ताकि जो 32-bit यूज़ करते हैं वो लोग भी इसका यूज़ कर पाएँ। ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए जो मैंने आपको बता दिए। अब कुछ नए फीचर यहाँ पर ऐड हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबाओ। 5, 4, 3, 2, 1। उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा। हर वीडियो में आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे, लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा फीचर लॉन्च हुआ है। अगर आप यूज़र डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हो CSR में, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको जाना है तो आप देख सकते हो। तो अगर आप यूज़र डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हो तो इसको अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप यूज़र डिक्शनरी रेगुलर एक्सप्रेशंस को ऑन कर सकते हो। इससे जो है आपका जो भी आपने वर्ड्स ऐड किए हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, क्योंकि कभी कभी जो है वर्ड्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे, लेकिन इससे आपके हर एक वर्ड प्रॉपरली वर्क करेंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। प्रोग्राम सेटिंग में चलना है आपको, और यहाँ पर आपको रीडिंग सेटिंग्स में जाना है। तो ये आपको मिल गया, यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर यूजर डिक्शनरी रिप्लेसमेंट, तो इसको आपको ऑन कर देना है सिंपली। ठीक है, तो मेरा ये ठीक है, अब आपके वर्ड्स प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो ये यहाँ पर 2 फीचर ऐड हुए हैं, और यहाँ पर एक ऑटोमेटिक OCR भी लॉन्च हुआ है, इनबिल्ड ऑफलाइन OCR भी लॉन्च हुआ है, लेकिन ये सब जो है चाइनीज लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये भैया चाइना वालों ने अपने लिए लॉन्च किया, और कुछ जो है यहाँ पर बग्स फिक्स हुए हैं
है ना, जो यहाँ पर ये पढ़ता था सब टाइटल्स, उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह की गई है। बाकी कुछ इतना बड़ा यहाँ पर नहीं है जो मैं आपको नहीं बताऊँगा, इंक्लूड नहीं करूँगा, सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम हैं भैया बड़े बंदे, मतलब बड़े नहीं हैं उम्र में, बड़े हैं ये बोल लेते हैं, वैसे उम्र में भी छोटे ही हैं, हाइट में बड़े हैं, हाइट बहुत बढ़िया है हमारी, तो ये पॉइंट हमने पकड़ लिया है। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं आपको सबसे पहला फीचर, जो फीचर्स ऐड हुए हैं वो मेन्यू में ही ऐड हुए हैं, मेन मेन्यू में, मोर में चलेंगे और मोर में चलेंगे और सबसे लास्ट में आपको आ जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर है साइलेंट फीचर, है ना, इसको ये कुछ भी रीड नहीं करता है। सो गाइज, इसका यहाँ पर मतलब ये है कि ये वैसे नया नहीं है, हो सकता है पहले से ही हो, बट इसके बारे में मैंने आपको कभी बताया नहीं, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, काफ़ी यूजफुल है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया गया है, बस इसका नाम बदल दो भैया। गाइज, जब भी आप इस फीचर पर क्लिक करोगे, आपके फ़ोन में जितने भी TTS होंगे वो सारे TTS आ जाएंगे। जैसे क्लिक करता हूँ, तो जितने भी TTS है उतने TTS आपके यहाँ पर शो करेंगे। अब आप एक क्लिक में जिस भी TTS को चाहो उसको सेट कर सकते हो, यानी कि ये जो नॉर्मल टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाने थे उससे भी आसान हो गया। उसमें पहले टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाओ, फिर प्रीफर्ड इंजन में जाओ, फिर उस पर क्लिक करो, फिर ओके पे क्लिक करो, तो ये उससे भी आसान है। आप इसको एक काम कर सकते हो, मेन मेन्यू में सबसे ऊपर ऐड कर सकते हो। अब इसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, हाउ टू कस्टमाइज CSR मेन्यू, तो उसको देख लेना, फिर आप जान पाओगे। तो इसको आप बस सिंगल क्लिक करो और इसका नाम एडिट कर लेना, तो यहाँ पर सिंपली आप एक क्लिक में TTS को चेंज कर सकते हो। करके दिखाता हूँ इसको करते हैं। अच्छा भैया, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा हमको, हम फ्री वाले हैं, फ्री में सिर्फ ESP की यहाँ पर चलेगा। चलिए इसको दिखाई देते एग्जाम्पल के लिए। है ना, एक सेकंड में आपका TTS चेंज हो गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेड वर्जन वालों के लिए है। कोई बात नहीं, हम आप तो वैसे भी जानते ही हो, आपको सब पता ही है, तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोलूंगा नहीं इस बात पर। तो मोर में चलते हैं, फिर से स्विच करेंगे, क्योंकि एक सेकंड में स्विच हो गया। फिर से मैं अपना सिस्टम कर लेता हूँ। अब तो भैया सिस्टम का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम चारों तरफ से फंस गए। तो हम इसका जुगाड़ करके आते हैं, पहले वाला TTS सेट करके आते हैं। हम चारों तरफ से फंस चुके हैं, हमें धर दबोचा गया है, तो अभी हम सेट करके आते हैं। सो गाइज, हमने जो है प्रोग्राम सेटिंग में हमको जाकर चेंज करना पड़ा, तो अब हम फिर से वापस से आ गए। तो अगर आपके पास यहाँ पर इसका पेड वाला वर्जन है, तो आप इस फीचर का इजीली यूज़ कर सकते हो, किसी भी TTS को एक क्लिक में एक सेकंड में चेंज कर सकते हो। ये काफ़ी यूजफुल फीचर मेरे को लगा। सेकंड फीचर की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेन्यू में ही है, मोर में चलते हैं। मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया गाइस। प्रोफाइल्स, अब गाइस ये फीचर जो है ना बड़ा यूनिक टाइप का है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट ठीक है, न्यू बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी एक एडिट बॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं इस फीचर का मतलब समझा देता हूँ, लेकिन वो समझाने से पहले आप एक बात मुझे समझा ही दो कि आज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया। गाइज, सब्सक्राइब कर लो यार, आजकल आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लेना ऑल पर। 5 4 3 2 1 आई होप यू सब्सक्राइब्ड माई चैनल, इससे ज़्यादा इंग्लिश मुझे नहीं आती। सो गाइज, इस फीचर को हम समझते हैं, रियली सब्सक्राइब कर लो, सीरियसली बोल रहा हूँ। सो गाइज, जैसे आप जानते हो फोन में होता है सेकंड स्पेस, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो सेम ये वैसे ही है, सेकंड स्पेस ऑफ जीशो, यानी कि आप एक ही जीशो में दो जीशो का यूज कर सकते हो, उसमें अलग अलग सेटिंग कर सकते हो, जिस जीशो की सेटिंग चाहो उसकी सेटिंग आप वैसी कर सकते हो, अपने पर्सनल जीशो क्रिएट कर सकते हो, आप एक ही जीशो में दो जीशो का यूज कर सकते हो, जब चाहो तब जीशो को स्विच कर लो, जब चाहो जी जीशो को आप स्विच कर लो। अब मैं इस फीचर को आपको समझाता हूँ। प्रोफाइल में गए, हम न्यू पे गए, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दीजिए, मैंने नाम कुछ भी लिख दिया जी, अब ओके करना है। जी पर आपको टिक करना है, अब वेट करना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमारा एक नया जीशो ओपन हो चुका है। सो गाइस देखिए, यहाँ पर हमारा एक नया जीशो ओपन हो गया। होम
जो एक नया जीशू होता है वैसा ही हमारा जीशू ओपन हो गया। मैं प्रोग्राम सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, देखिए सब नया हो गया। फीडबैक सेटिंग में देखिए साउंड, डिफॉल्ट पर ठीक है, यानी कि जो सब कुछ नए जीशू में होता है ना वैसे ही हमारा जीशू हो गया। अब आप इस जीशू की जो सेटिंग जैसी सेटिंग चाहो वैसी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब आप इसको तुरंत स्विच भी कर सकते हो। मोर में जाएंगे, फिर से मोर में जाएंगे, प्रोफाइल्स में जाएंगे जो कि सबसे लास्ट में आता है। डिफॉल्ट पर टिक करेंगे। अब देखिए ऑपरेशन कंप्लीटेड, जो हमारा पुराना जीशो है वो आ गया। देखिए जैसा पहला जीशो चल रहा था वैसा आ गया, यानी कि एक सेकंड में आप किसी भी जीशो पर स्विच कर सकते हो अपने मन मुताबिक। जिस CSR की सेटिंग जैसी चाहो वैसी कर सकते हो, अलग अलग जीशो को यूज कर सकते हो एक ही जीशो में। ये इस प्रोफाइल फीचर का मतलब मैं जितना समझ पाया हूँ यही मतलब है, और आपने देख भी लिया होगा। सो गाइज कैसा लगा आपको ये फीचर कमेंट करके बताइए। मुझे जो है काफ़ी अच्छा फीचर लगा है ना, काफ़ी यूनिक फीचर लगा जो कि और किसी स्क्रीन रीडर में नहीं है। अब इसका यूज़ पता नहीं किस लिए हो सकता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फीचर ठीक ठाक लगा मेरे को। अब फीचर लॉन्च हुआ है तो मैंने आपको दिखा दिया है। आप कमेंट करके बताओ आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा। बाकी भी कुछ बेसिक फीचर आए हैं जो कि इतने काम के नहीं है, कुछ काम के होंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। तो अब हमने आपकी इच्छा पूरी करी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कमेंट स्क्रीन रीडर पर वीडियो लाओ, अब ले आए। तो अब आप इस वीडियो को शेयर कर देना सभी CSR यूजर्स के साथ, ताकि सभी लोग इस नई अपडेट के बारे में जान पाए। कमेंट करके बताओ कौन सा फीचर अच्छा लगा, वीडियो कैसी लगी। लाइक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।